हेलो एंड वेलकम टू गेट एडमिशन। मैं सेल्फ हिमांशु और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारी एक नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में फिर से बात करने वाले हैं पीजीडीएम के लिए वन ऑफ द बेस्ट, मतलब एक और बेस्ट इंस्टीट्यूट के बारे में, यानी जिम्स रोहिणी। ये जिम्स की ही एक दूसरी ब्रांच है, जगन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। तो चलिए जानते हैं आज हम इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में, यहाँ की क्या क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन है और क्या यहाँ की बेस्ट इन्फॉर्मेशन है और क्या क्या वजह है जिनसे ये इंस्टीट्यूट भी एक वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरी में आता है पीजीडीएम के लिए, एंड इसकी प्लेसमेंट सेल, फी स्ट्रक्चर के बारे में ढेर सारी बातें करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं एंड आप चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाना, क्योंकि कॉलेज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है सिर्फ गेट एडमिशन पे। जिम्स रोहिणी, तो रोहिणी से आप समझ ही गए होंगे कि ये इंस्टीट्यूट रोहिणी न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, मेट्रो के बिल्कुल पास है। तो आप मतलब समझ सकते हैं कि कनेक्टिविटी आपको जो मिलने वाली है काफी बढ़िया है, आपको ट्रैवल के लिए तो ज्यादा परेशान बिल्कुल नहीं होना। रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल जस्ट उतरते ही आपको ये कॉलेज देखने को मिल जाएगा। एंड 1993 में ये इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश हुआ था, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। एंड 1993 के हिसाब से आप देख सकते हैं 30 इयर्स इस इंस्टीट्यूट को हो चुके हैं, मैनेजमेंट फील्ड में अपनी पकड़ बनाए एंड अब मतलब इसकी काफी मजबूत पकड़ भी है मैनेजमेंट फील्ड पे। तो बिजनेस जो मतलब आप ये कोर्सेज हैं उसमें तो ये बिल्कुल माहिर है, पीजीडीएम में बेसिकली बहुत ज्यादा अच्छे से इनका पकड़ है। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसकी अगर मैं आपको रिकॉग्निशन के बारे में बताऊं तो NAAC विद ए ग्रेड से ये कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड, एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये इंस्टीट्यूट IPU से एफिलिएटेड है। तो IPU से आप समझ सकते हैं कि जो यहाँ का मतलब एफिलिएशन है IPU द्वारा इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, और अगर PGDM के लिए मैं बताऊं तो AICTE से ये इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड है। तो आप मतलब अब समझ सकते हैं जो डिप्लोमा आपका बिल्कुल एकदम प्रॉपर मिलने वाला है, एंड साथ ही इस इंस्टीट्यूट को बहुत सारी रैंकिंग भी मिली हुई है। तो उनमें से कुछ तो मैं आपके सामने अभी बताता हूँ। रैंक्ड फोर्थ अमंग टॉप M&B स्कूल फॉर सुपर एक्सीलेंस इन इंडिया बाय CSR 2022, रैंक्ड 17th अमंग टॉप 150B स्कूल इन इंडिया बाय TOI 2022, ranked 30th among top business school in India by the week 2022। इसी के साथ इस इंस्टीट्यूट के काफी सारे मतलब ऐसा कोलैबोरेशन भी इन्होंने किए हुए हैं वर्ल्ड के इंस्टीट्यूट्स के साथ, जैसे ऑकलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज न्यूजीलैंड, निलिया यूनिवर्सिटी मलेशिया, मलेशिया यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लिंकन यूनिवर्सिटी कॉलेज मलेशिया। तो ये थे कुछ कॉलेजेस जिनके साथ इनका कोलैबोरेशन भी हुआ है। एंड अब हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से इस इंस्टीट्यूट के फी स्ट्रक्चर और एडमिशन आप यहाँ पे कैसे ले सकते हैं, यानी एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो एडमिशन प्रोसेस तो सिंपल है, 50% से अबव आपके मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, तब आप एलिजिबल है इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए। एंड कैट एग्जैक्ट मैट सीमैट का एग्जाम आपने दिया होना चाहिए तब आप एलिजिबल है। तो उनमें आपके 50-60 से वो परसेंटाइल होनी चाहिए तब आप एलिजिबल है। तो अगर आपने इतना सारा सब कुछ कर लिया फिर भी आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा तो आप गेट एडमिशन को अप्रोच कर सकते, गेट एडमिशन आपकी हेल्प कर सकता है आपके मनपसंद कॉलेज में आपका एडमिशन कराने में। तो यार आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करें, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप लिंक दिया गया, डायरेक्ट व्हाट्सएप करके भी अपने सवाल जवाब करें, बातचीत करें हमारे साथ और हम आपका एडमिशन बिल्कुल 100% करा देंगे। तो एडमिशन कराने के तो आपके सारे रास्ते खुले हुए हैं, सबसे बढ़िया रास्ता गेट एडमिशन। एंड फी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं, तो MBPGM दोनों ही कोर्सेज 2 साल के इनके कोर्सेज है, 8.7 लाख यहाँ पे इनकी 2 साल की फीस है। तो 2 साल की 8.7 लाख इज नॉट मच, ठीक है। तो आप इस चीज को देख सकते हैं एंड इसको ध्यान में रखते हुए अपना एडमिशन इस इंस्टीट्यूट में देख सकते हैं और अपने बजट के अनुसार यार एडमिशन ले सकते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि इसका जो हाईएस्ट पैकेज है वो है 19 लाख इंटरनेशनली, एंड डोमेस्टिक में इसका हाईएस्ट पैकेज अभी तक का 14 लाख मतलब 14.5 लाख गया है, एंड इसका जो एवरेज पैकेज है वो है 7.5 लाख। तो जो जिम्स, ये जो जिम्स के नाम से इनकी फ्रेंचाइजी है, जिम्स के जो जितने भी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं उनके जो प्लेसमेंट्स हैं वो काफी बेटर हैं, और मतलब एवरेज पैकेज भी या फिर आप कह सकते हैं 5-6 लाख का तो आपको मिलना ही है। तो अब आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा इंस्टीट्यूट चूज करना है। हमने इनके स्टूडेंट से बातें की थी, उन्होंने हमें बताया कि जो कंपनी में मतलब 5th सेमेस्टर में या 6th सेमेस्टर में जो कंपनियां आती हैं वो जो पैकेज उठाती हैं वो 6-7 लाख तक के होते हैं, 5-6 लाख तक के होते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा वेट कर ले, अगर आप बाहर से पैकेज उठाते हैं, उन्होंने हमें ये चीज बताई है, तो आपको एक बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, या फिर आप कह सकते हैं जिन्होंने 6-7 लाख का पैकेज उठाया वो 1 साल बाद जाके हायर मतलब पैकेजेस पे जा सकता है। तो ये एक मेरे को काफी अमेजिंग इस चीज की लगी, मतलब इस इंस्टीट्यूट की लगी, तो आप उस चीज को भी ध्यान में रख सकते हैं। एंड स्कॉलरशिप भी आपको यहाँ पे देखने को जरूर मिलेगी, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप आपको देखने को मिलेगी, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। एंड आई थिंक मैंने ओवरऑल सारी चीजें कवर कर दी है। फैसिलिटीज तो आपको यहाँ पे सारी मिलने वाली है, क्योंकि देखो रोहिणी है, रोहिणी के आसपास वाला पूरा एरिया है वो आपका है, एंड
इंस्टीट्यूट में आपको लाइब्रेरी, सेमिनार हॉल, कैंटीन वगैरह सब मिल जाएंगी एंड साफ सुथरा एनवायरनमेंट है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैंने देखा तो ज़्यादा इतना बड़ा नहीं है, लेकिन नीट एंड क्लीन अच्छी खासी वाइब आपको देगा। और आई थिंक इस वीडियो के लिए बस इतना काफ़ी रहेगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, धन्यवाद।